जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशा, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। महादेव देव 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 महादेव दशानन, ये कैसी मूर्खता है! इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात अमृत उड़ना मांग कर ये क्या मांग लिया है? जिसने एक बार महादेव की भक्ति का अमृत प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए अमृतत्व का क्या महत्व है नाना श्री? महादेव के दर्शन के पश्चात अब कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, न सुख में सुख स्मरण रहा और ना ही दुख में दुख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी हट लेकर बैठ गए श्रृंगार। विवाह के समय हम ही ने आपसे कहा था कि हमें आपका यही रूप स्वीकार है, तो फिर हमें आपसे अपेक्षा भी यही होनी चाहिए। स्वामी, सत्य तो ये है कि आपका हमारे जीवन में होना ही हमारा श्रृंगार है, और आपके साथ बसाया हुआ ये परिवार हमारे जीवन का सौंदर्य। हाँ, हमारी कुछ इच्छाएं अवश्य हैं, जो एक पत्नी की होना स्वाभाविक है। किंतु सभी को वैराग्य पति का सौभाग्य भी कहां प्राप्त होता है? एक ऐसा पति जिसके लिए सौंदर्य की आवरण की कोई महत्ता नहीं है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में प्रेम करते हैं। दशानन, क्या तुम भूल गए? पूरे राक्षस जगत का उत्थान तुम पर आश्रित है। महादेव तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार थे, किंतु तुमने मांगा भी तो क्या? भक्ति! क्या करोगे इस भक्ति का? सभी असुर भक्ति को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाते आए, ऐसी भक्ति भी कोई भक्ति है? एक बार वरदान प्राप्त हो गया तो उसके पश्चात अपने आराध्य को भूलकर उस वरदान का अनुचित उपयोग करना,
इसीलिए आज तक असुरों का उद्धार नहीं हो पाया। असुरों का उत्थान महादेव की निस्वार्थ भक्ति में ही है। इसीलिए तो आपको महाज्ञानी कहा जाता है भ्राता। सत्य को समझने की और उसका अनुसरण करने की क्षमता केवल आप में ही है। नानाश्री, महादेव ने मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त कहा है। जीवन में इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? अब महादेव की भक्ति ही मेरा जीवन है। तुम महाज्ञानी नहीं, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका समस्त परिवार उसका साथ दे। उसके दायित्व को समझे, उसका सम्मान करे। तुमने अपने से अधिक महत्व मेरे भक्त की पुकार को दिया है। उसके प्राणों की रक्षा करने हेतु मुझे जाने की अनुमति थी। मैं प्रसन्न हुआ पार्वती। मैं तुम्हें छोड़ के गया अवश्य था, किंतु तुमसे दूर जाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। क्योंकि तुम सदैव मेरे साथ रहती हो पार्वती, चरणों में, वन में, पर्वत में, मेघ में, वर्षा में, पुष्प में, मेरे मन में, मेरे बाहर और मेरे भीतर भी। केवल तुम ही तुम हो पार्वती, क्योंकि तुम स्वयं प्रकृति हो और मैं इस प्रकृति में ही हूं। तुमसे ही तो ये समस्त संसार है पार्वती। भले ही मैं वैरागी बनूं, तपस्वी बनूं या गृहस्थ बनूं, इस संसार से पृथक होना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। हमारे वैरागी स्वामी के मुख से ऐसी बातें यदा कदा सुनकर आश्चर्य तो अवश्य होता है, किंतु प्रसन्नता भी बहुत होती है। हम आपसे कुपित नहीं है स्वामी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वामी के ऊपर इस समस्त संसार का दायित्व है। स्वामी, हम केवल इतना चाहते हैं कि उस संसार के लिए आप यहां बसाए हुए इस संसार से उपेक्षित ना रहें। हम सबको आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी व गणेश अपनी माता के साथ साथ अपने पिता के सानिध्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। स्वामी, हम चाहते हैं
कि आज सब साथ में भोजन करें। संभव है? अवश्य पार्वती, हम अभी व्यवस्था करते हैं।